कण के हरि ने भजता हजी कोई नहीं लज्जा जाने के कगार पर कोई भक्त हो और उसी समय लज्जा बच जाए उसकी सुरता लगी मानना। मुझे कल एक प्रश्न पूछा गया था कि बापू आज के जमाने में तप की व्याख्या क्या की जाए, तप क्या है? एक मिनट, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग वेदाम वरम, वाल्मीकि रामायण का जो है। मैं इस काव्य का तप शब्द से ही आरंभ होता है, वाल्मीकि जी ने तप के द्वारा ही दिव्य काव्यता का आशीर्वाद लिया। इसमें विश्वामित्र के तप का वर्णन है, गंगा अवतरण में भगीरथ के अद्भुत तपस्या आदि अनेक तपस्वियों का वर्णन है। छोटी सी जिज्ञासा है बापू, यह तप है क्या? हरि के चरणों में अखंड सुरता का लगा रहना तप है, नहीं रहती, नहीं रहती। तप भंग होता है बिना मैन का, बिना उर्वशी, बिना तिलोत्तमा, बिना रंपा। ये आई और तप भंग करे तो समझ में आए, लेकिन हमारी तैल धारावत सुरत, जिसकी तैल धारावत कोई परम तत्व के साथ लौ लगी रहे, ये तप है। तप बहुत अद्भुत शब्द है। ये जगत का सर्जन पालन और नवनिर्माण के लिए उसका संहार, इस सब के बीच में केंद्र में तप है। लेकिन आज का तप ये है, अखंड सुरता रहे, कहीं चढ़ते चढ़ते सांप सीढ़ी की रमत की तरह फिर सांप के मुंह में जाए और पूंछ में नीचे आ जाए। बार बार हमारी गति है तप भंग, बिना मन, बिना तिलोत्तमा। ये धारा पकड़े रहना, ये तप है। मैं बहुत तप की चर्चा बहुत बहुत निर्भर करने के लिए करता रहता, मैं तो ये सब सहन सुनता रहता हूँ, सहन करता हूँ और स्वाभाविक है मेरे लिए। लेकिन आप भी बार बार कथा में आते होंगे तो आपको कितना ताना सुनना पड़ता होगा कितनी आलोचना। एक कथा का आयोजक आयोजन करता है तो उसके 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 दाहिना पक्ष कोई नहीं देखता, बायां पक्ष ही देखेंगे। व्यवस्था बराबर नहीं है, उतारा बराबर नहीं। तो कन्याकुमारी में उतारो राखो, रोज अप डाउन करो। ये आयोजकों को उसको मुस्कुराते हुए पी जाना, सहन करना, विनीत शब्दों में जवाब देना, ये तप है। निंदा स्तुति कुछ भी हो, मैंने पहले दिन भी कहा आरख अक्षरों के बीच का खेल है, क्यों हम अपने अपने ऊपर ले ये सब, ये तप है। कई तप तामसी होते हैं, कई तप राजसी होते हैं, कई तप सात्विक होते हैं। राजसी तप क्या है? आप उपवास करें, ये तप है। लेकिन फलाहार, साबुदाना नी खिचड़ी, एक डजन केला, आमरस, सेब, राजग्रानी पूरी, तो गौ नहीं खाई ले ने राजग्रह, गौ ने आ एक जमीन माथी उभा थया छे। राजग्रानी पूरी, राजग्राना थेपला, राजग्रानी खीर, ये तप है। आप उपवास कर रहे, फलाहारी है, अच्छा है, लेकिन बहुत आइटम खाओ, इसमें आलोचना नहीं कर रहा, मुझे तो कोई खाए मस्ती में रहे मुझे अच्छा लगता है। भूखे रहे चिड़चिड़ करो, है ना, करता तो खाए ना आनंद मारो ना।
ये राजसी तप है, तामसी तप है, खिले पर अपने को लेटाना, सिर के बल ऊपर रहना, अपने को कोड़ा मारना, अपने को देह बालों को इस तरह लॉन्च करना, ये शारीरिक, ये तामसी तप है, ये सही है नहीं है। तप जहां भी होगा तेज आएगा, और मैंने ऐसे तपस्वी जो देह दमन करने वाले देखे हैं, जितना देह दमन करता है तप खत्म होता जाता, तेज खत्म हो जाता है, मलान मुख, मुस्कुराहट हट तो योजनों दूर चली जाती है। ये तप नहीं, राजसी तप भी ना हो, तामसी तप तो हो ही ना। देह धर्म के लिए अद्भुत साधन है। मेरे तुलसी ने तो देह को बड़ी इज्जत दी, बड़े भाग मानुष तन पावा, इतना कष्ट क्यों दिया जाए। तप सात्विक हो, सात्विक तप का भूखे भी बहुत मत रहना और बहुत ज्यादा खाना भी मत, सम्यक आहार। लेकिन जिसका गुणातीत तप हो जाता है, असली तप तो वो है जो गुणातीत है, न रजो गुण न तमो गुण न सतो गुण, विशेषण मुक्त तपस्या। तो मेरी समझ में तो ऐसा ही तप मेरी समझ में तो रहता है, परम तत्व का ध्यान है तप, ये परम तत्व का ध्यान यश तप हो सकता है, क्योंकि ध्यान कठिन है और इस कठिन मार्ग से जाने में एक प्रकार की तपस्या है जरूर, ये तप है। तप समाधि भाषा है, मौन रहना तप है, ठीक है, और मौन समाधि भाषा है। मैंने आपके सामने एक बार तलगाजरड़ी बात रखी थी कि भगवान कृष्ण को पूछा गया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या, तो मेरी बात तो ये थी कि स्थित प्रज्ञ की भाषा मौन। किमासीत व्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, एकांत में बैठता है। गीता की जो बात है वो अद्भुत है, किमासीत कैसे बैठता है, सहज बैठता है, एकांत में बैठता है। व्रजेत किम, जब तक परिपूर्ण वैराग्य न जगे तब तक गृह त्याग न करे, ऐसे वो चलता है। प्रजेत किम, कैसे जाता है, कैसे निकल जाता है, श्रुति का एक निवेदन है, यद हरेव वर्जेत तद हरेव प्रण, जब तक फल पक न जाए तोड़ो मत, अपने आप टूटने दो। किमासित व्रजेत किम, कैसे वो जाता है, जब पूर्ण वैराग फूटता है तब जाता है। मौन ये तप है, अवश्य ये समाधि भाषा है। व्यास जी ने कृपा करके ये संवाद को नोंद लिया श्रीमद् भागवत ने, बाकी ज्यादा सो बोलते बोलते सुखदेव, सुखदेव तो इसीलिए बोले कि उसको कृष्ण गुण कीर्तन में आनंद आ रहा था, वरना ये अलक्ष लिंग महात्मा क्यों बोले, शब्द व्यापार में क्यों जाए, वो तो चुप बैठ गया होगा। लेकिन गृहीत चेता राजर्षे, हे राजर्षि परीक्षित, ये कृष्ण ने उत्तम श्लोक ने मुझे बांध दिया है, मुझे मजबूर कर दिया, मैं गुण कथन किए बिना रह नहीं सकता, बाकी मैं क्यों बोलूं। मौन तप है, लेकिन मौन के साथ मैंने दो तीन बात जोड़ी है, मौन रहो लेकिन मुस्कुराते रहो, मोढ़ू चढ़ावी मौन रहनी छूट नहीं, एना करता तो मैं राडो पाड़ो ई वधारे सारो, कारण के तमे थाकी जाशो अने चुप थई जाशो, केटली राडो पाड़शो, घणी कई लोग मौन रखते तो मुस्कुराते ही नहीं, दुनिया भर का सिद्ध बनकर बैठा है। मौन रखो मुस्कुराओ, ये चार मकार मैंने आपको कहा था, और तीसरा मकार है गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र का जप करो, और चौथा
मानस साथ में रखो, ये चार, मौन, मुस्कान, मंत्र और मानस, और पांचवा ऐड करूं पीछे मारुति रखो। ये पांच मकार सिंह राशि के। छठा कहूं मुरारी बापू को याद रखो। पछी यार शू बात करो रेवाजियों ने अपडोला कौन देवी पूजक रेवाजियों ने बापू करो। आपसे